गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन एट होम. इट्स अवर 10th सेशन ऑफ ए मैथमेटिक क्लास ना किड्स. सो व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के नंबर्स गिवन थे, हमें कन्वर्ट करना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अभी क्या है हमारे पास, देखिए, राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पर आपको क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो 21/4, सो वी कैन कन्वर्ट इट बाय डिवाइडिंग 21/3. ओके, सो 3 के टेबल में 21 इज देयर. सॉरी, क्वेश्चन इज 24 ना, 4 इज देयर. सो वी कैन कन्वर्ट इट बाय डिवाइडिंग 21/4. सो टेबल 4, 21 इज देयर इन द टेबल 4. 4 1s इज 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24. सो 21 इज नॉट देयर, सो 4 5s आर 20. वॉट इज अ रिमाइंडर, दिस इज अ 4, वी आर डिवाइडिंग 4 5s इज 20, सो रिमाइंडर इज 1, ठीक है. अभी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हो, ये फॉर्मूला याद रखिए, कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट एंड द रिमाइंडर एंड द डिवाइजर, ओके. यहाँ पर देखिए आप, अभी हमारा डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है हमारा, जिसे हम डिवाइड करें, डिवाइड करें कोएफिशिएंट एंड द लास्ट रिमाइंडर, ओके. टेल मी द डिविडेंड. 21 क्या है हमारा, डिविडेंड है, दैट इज 21, एंड डिवाइजर 4, कोएफिशिएंट क्या था, कोएफिशिएंट 5, क्वेश्चन 5 एंड द रिमाइंडर इज 1, ओके. तो अभी व्हाट इज द आंसर, फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 बाय रिमाइंडर 1 एंड द डिवाइजर 4. 4 5s आर 20, 20 प्लस 1 21. यू गॉट द आंसर ना, ओके. सो अभी आप क्या करिए, क्लास तक में आपको ये लिखना है, ओके किड्स. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन योर क्लास वर्क. नाउ वील डू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ ये 19/11, हाउ विल कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड 19 इज अ डिविडेंड, 11 इज अ कोएफिशिएंट, सॉरी डिवाइजर. 19 क्या है यहाँ पर, डिविडेंड है, एंड डिवाइजर हमारा क्या है, 11 है. यू नो ना, यू डोंट नो द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर नाउ. सो फर्स्ट विल डिवाइड 11 11 2s आर 22. सो 11 1s इज 11, 9 - 1 8, 1 1 0. नाउ विल गेट द कोएफिशिएंट एंड द रिमाइंडर ना. टेल मी द कोएफिशिएंट 1, what is the remainder, 8. What is the formula here, coefficient. So tell me the coefficient, coefficient is 8, remainder is 1, sorry, coefficient is 1, remainder is 8, and the divisor, 11 ones is 11 plus 8, 19, okay, 11 ones is 11 plus 8, 19. Okay kids, write in your classwork. Question number C, 23/5. We have to convert into mixed fraction now. So we have dividend. Hamare paas dividend hai 23 and the divisor hai 25. Okay, 5 se hum divide kare 23 ko, to wo ho gaya divisor. Aur dividend jisko hum divide kar rahe, that is 23. Okay. कोएफिशिएंट और रिमाइंडर अभी हमारे पास नहीं है, सो फर्स्ट विल डिवाइड इट. 5 1s इज 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर
25. सो 25 बड़ा हो जा रहा है ना गेट्स, तो हम क्या करेंगे नंबर से छोटा वाला और नंबर लेंगे. तो 5 फोर ज़ार 20. ओके नाउ विल माइनस 3 माइनस 0 3 2 2 0. नाउ टेल मी द फॉर्मूला कोएफिशिएंट. व्हाट इज द कोएफिशिएंट? 4. ओके रिमाइंडर 3 and the divisor d is nothing but divisor, that is 5. Here 5 fours are 20, 20 plus 3 23. Okay, write in your classworks. Shall I rabbit? Here 36 by 7 is there, so we can convert it by dividing 36, sorry, here 36 by 36 divided by 7. Tell me the table of 7. 7 ones is 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35. Okay, 35 is there now. 7 fives are 35. 6 minus 5, 1. Okay, 1. Hamare paas divider, dividend hai 36, divisor 7. We have remainder 1 and the coefficient is 5. So what is the formula? Coefficient remainder divided by, sorry, remainder by divisor. What is the coefficient? That is 5 and the remainder 1 and the divisor 7. 7 5s are 35 plus 1 6. Okay, now it's time for homework. Now it's homework time. Write the following as mixed fraction. I hope you all completed your previous homework. Okay, here I am given 5 questions to you. Abhi hum last time jo diye the wo aapko mixed fraction mein convert karna tha. Shayad aap wo complete kar chuke honge. Abhi wo usi se related hai ki aapko mixed fraction mein convert karna hai. Theek hai, jaise hum class tak mein abhi complete kare waise hi method ko follow karte hue aapko aapke homework note mein 5 questions complete karna hai. Okay, whenever you are solving the questions, so remind this formula. Okay kids,